एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मेरा मन था कि मैं आज आपके सामने एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करूं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था टिकटॉक पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम रील्स पर। हटो, अभी नहीं चढ़ना, हटो, जल्दी से हटो, जल्दी से। तो हमारा प्रोडक्ट है ये, मैं बोल लूं पहले? तो स्टॉप। तो हमारा, तो जी ये है हमारा प्रोडक्ट सुनीसा फाउंडेशन, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। तो ये क्लेम करता है कि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रखेगा और वाटर प्रूफ रखेगा 24 आवर्स तक, और बहुत ज़्यादा आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई बनाएगा ये वाला फाउंडेशन। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको टेस्ट करके देखूं कि ये कैसा वर्क करता है मेरी स्किन पर। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो जल्दी से हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ है मुझे, ब्लैक कलर के बॉक्स में, जिस पर यहाँ पर लिखा है सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम, ये लिखा है। और यहाँ पर बस मुझे इतना समझ में आया, बाकी यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी कुछ लिखा है ना, सब चाइनीज़ या कोरियन जो भी है ब्रांड उसमें लिखा हुआ है चाइनीज़ में। तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा इसमें, और कुछ मेरे पढ़ने लायक है भी नहीं। तो खोल के देख लेते हैं हम इसको। तो ये इस तरह का बॉक्स है जिसमें अंदर फाउंडेशन क्रीम है। बहुत क्लासी सी पैकेजिंग है इसकी, और यहाँ पर लिखा है सुनीसा, बाकी और कुछ नहीं लिखा है। ब्लैक कलर के ऐसे बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके मिरर मिला है, उसके बाद ये फाउंडेशन है, केरा फाउंडेशन, इस तरह का ये फाउंडेशन है। और ऐसे जब इसको पुल करते हैं तो इसमें से फाउंडेशन निकलता है। ये कुछ स्पंज टाइप का है, और यहाँ से भी ये पूरा ओपन हो जाता है जिसमें सारा फाउंडेशन अवेलेबल है। ये रहा इसका अंदर का फाउंडेशन। ये पीटू फिर से आ गया, पीटू हटो। ये मशरूम जैसे डब्बे में, ये इसका ब्लेंडर है ब्लैक कलर की, बहुत क्यूट सा प्यारा सा ही मैंने पहले यूज़ किया है तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो अब हम जल्दी से इसको यूज़ कर लेते हैं अपने फेस पर। तो मैंने पहले ही अपने स्किन केयर कर ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कैसे हार्मफुल केमिकल है या नहीं है, या क्या इन्ग्रीडियंट इसमें यूज़ हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोई भी चीज़ मैंशन नहीं है और जो है वो चाइनीज़ में। वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है हमारी स्किन पर, और ये भी दिखाऊंगी कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। पहले यहाँ पे पानी रखा हुआ था तो पहले इसमें डिप करना है हमें। तो स्पंज हम यूज़ करते हैं मेकअप में, क्या ये मीठू, क्या ये तो हम इसको वॉश कर लें। तो ये बहुत फ्लफी सा मोटू सा हो गया है, मैंने इसको पानी में डिप किया था। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। मीठू हटो, कम आ रहा था इसमें फाउंडेशन में, ये फाउंडेशन निकलता है इसका। तो ये मीठू हटो, पहले हाफ सेक्शन में लगा के देख रही हूँ मैं कि कैसा वर्क करता है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी मैं, और बस के देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शेड का है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे बताते हैं कि बिल्कुल वाइट कर देता है आपका फेस, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा वाइट नहीं किया इसने मेरा फेस, क्योंकि मेरा फेयर स्किन टोन है। तो ये ज़्यादा, अगर आपका डल है स्किन तो आपके फेस पर ये आटा सा अलग ही दिखेगा बहुत ज़्यादा, बट मेरे पे अलग नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा मैच हो गया मेरी स्किन।
गाइस आप खुद ही बताओ कमेंट करके कौन सा साइड मेरा फेयर लग रहा है या दोनों इक्वल लग रहे हैं। मुझे तो इक्वल लग रहा है बिल्कुल, मुझे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखा इस फाउंडेशन में। अगर आपका भी फेयर स्किन टोन है तो ये आपके लिए सही है फिर फाउंडेशन, क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो रहा है तो बिल्कुल सही है। बाकी आप एक बार यहाँ भी हम इसको पूरे से ट्राई करेंगे। मेरी नेक अलग नहीं दिख रही है, बिल्कुल सेम लग रहा है, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा है पूरा। बारी है इसको टेस्ट करने की कि वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा कैसा वाटरप्रूफ है कि नहीं है। यहाँ हमने वाटर स्प्रे कर दिया। मिट्टू छोड़ो। ओह माय गॉड, तो सारा मेरा फाउंडेशन ही निकल गया। ये देखिए आप, सारा का सारा फाउंडेशन निकल चुका है। और ये यहाँ से देखिए आप, हट चुका है ये फाउंडेशन, ये रहा हैंड पर आ चुका है मेरे, ये रहा। तो वाटरप्रूफ तो ये वाला फाउंडेशन बिल्कुल है नहीं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप कमेंट करके बताएं आपको ये फाउंडेशन कैसा लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।